हमारे पूरे भारतवर्ष में 32 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जो लगभग 27 राज्यों में फैले हुए हैं, और उनमें से एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट हमारा राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा यहाँ समस्तीपुर में स्थित है। पिछले कुछ वर्षों में भारतवर्ष में काफ़ी मशरूम के उत्पादन में वृद्धि हुई है, और सभी राज्यों में पर विशेषकर जैसे बिहार है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, इन राज्यों में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ की वृद्धि का श्रेय मैं यहाँ के कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी को देना चाहता हूँ। जब से इन्होंने अपना कार्यभार वर्ष 2016 से ग्रहण किया है, उस वक्त के बाद इन्होंने मशरूम की ओर विशेष ध्यान दिया, और साथ ही यहाँ पे जो हमारे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट मशरूम्स के ऊपर को देखते हैं डॉक्टर दयाराम जी, उनके अथक प्रयासों की वजह से मशरूम को एक जबरदस्त बढ़ावा बिहार की स्टेट में दिया गया है। विश्व भर में मशरूम की हजारों किस्में हैं, उनमें से बड़ी संख्या खाद्य मशरूम की है। बिहार में मशरूम उत्पादन के लिए 6 किस्में संशोधित की गई हैं। आयस्टर मशरूम, दूधिया मशरूम, पुआल मशरूम, बटन मशरूम, ढींगरी मशरूम और शिटाके मशरूम। मशरूम उत्पादन की जो तकनीक इस विश्वविद्यालय में विकसित की गई है, वो इस दिशा में ही सब बहुत अच्छा कदम है। इस मशरूम उत्पादन तकनीक से इस समय करीब करीब 50,000 लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पे करीब करीब 1 टन मशरूम का उत्पादन हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। इससे जो आप कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसे भी मशरूम उत्पादक हैं जिनके यहाँ 10 किलो रोज पैदा हो रहा है, और ऐसे भी मशरूम उत्पादन हैं जहाँ 1 टन प्रतिदिन हो रहा है। अतः यह तकनीक विभिन्न श्रेणी के किसानों को कैटर करती है, और इससे हमारे किसानों को फ़ायदा हो रहा है।